एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के सी टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मेरे टैली ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम। इट मीन्स स्टॉक आइटम के लिए स्टैंडर्ड रेट निर्धारित करना। तथा आज की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड रेट। कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है और स्टैंडर्ड रेट क्या होता है। इसे इस तरह से समझे हम, स्टैंडर्ड कॉस्ट वो होता है जब हम अपने सप्लायर से माल खरीदते हैं तो उसका जो परचेजिंग कॉस्ट होता है उसे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। तथा जब हम अपने किसी कस्टमर को माल बेचते हैं और उसका जो सेलिंग प्राइस होता है उसे हम स्टैंडर्ड रेट कहते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको कंप्लीट स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट कंप्लीटली समझाने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तथा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से आपसे कहूंगा कि यदि मैं आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अभी कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को अटेंड कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं टैली में, देखते हैं कि हम स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कंप्लीटली देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने गेटवे ऑफ टैली की मेन विंडो ओपन है। स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए हमें करना क्या होगा, हमने स्टॉक आइटम पर जाना होगा। तो स्टॉक आइटम के लिए हम कहाँ जाते हैं, इन्वेंट्री इन्फो में। इसमें हमने पहले से स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखा है उसी पर हम बता दे रहे हैं, या हम न्यू आइटम क्रिएट करके भी कर सकते हैं। जिस आइटम के लिए आपको स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करना है उसके लिए आपको डायरेक्टली आप क्रिएट करके आप कर सकते हैं। बट हमारे पास स्टॉक आइटम पहले से क्रिएटेड है, हम उसी पर आपको अल्टर करके दिखा देते हैं। लिवाइस जीन्स पर हम जाते हैं, एंटर करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा स्टॉक आइटम अल्ट्रेशन की विंडो है, ऐसे ही स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो आ जाएगी। नेम में हम आइटम नेम डालेंगे, हम इसे अंडर में प्राइमरी के अंतर्गत रखते हैं। हम यहाँ जाते हैं, सेटिंग को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेटअप करने के लिए, स्टैंडर्ड रेट को सेट करने के लिए हमें सेटिंग को एक्टिवेट करना होगा। हम यहीं पर F12 प्रेस करते हैं और आप देख पा रहे हैं नीचे हम आ जाते हैं, एंटर करते हुए हम नीचे आ जाएंगे। आप देख पा रहे हैं इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम के लिए स्टैंडर्ड रेट को इनेबल किया जाता है, यहाँ से एक्टिवेट किया जाता है। यहाँ हम यस करके एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लें या कंट्रोल ए के साथ हम इसे एक्सेप्ट कर लें। हम फिर एंटर करते हुए आते हैं, आप देख पा रहे हैं अल्टर स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड रेट डिफाइन करना है। हम यहाँ पर यस करके एंटर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं स्टॉक आइटम लिवाइस जीन्स के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। इट मीन्स स्टैंडर्ड रेट जिसे हम कहते हैं उसी को हम स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कहते हैं। यहाँ लिखा है एप्लीकेबल फ्रॉम। एप्लीकेबल फ्रॉम का मीन्स ये है कि जिस मंथ में जो आप माल परचेज कर रहे हो, चूंकि रेट घटता बढ़ता रहता है, उस हिसाब से जिस मंथ के लिए आप अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट जनरेट कर रहे हैं या स्टैंडर्ड रेट आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल के लिए हम करना चाहते हैं, 1 अप्रैल का स्टैंडर्ड रेट हम इसका जो देना चाहते हैं वो स्टैंडर्ड रेट है मेरा 1000, एंटर करेंगे। नेक्स्ट मंथ के लिए भी अगर हम करना चाहते हैं तो हम 2 महीने बाद के लिए या नेक्स्ट मंथ के लिए ही रेट चेंज कर ले अपना 15 2020। हम यहाँ पर 1050 कर दे रहे हैं, एंटर करते हैं। अगर हम इस तरह से जितने महीने का क्रिएट करना चाहते हैं, जितने महीने का स्टॉक स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ये हम क्यों करते हैं, जैसे हमारे सप्लायर हैं वहाँ से हम माल को अगर रिसीव करते हैं, माल परचेज करते हैं, तो उनका एक रेट फिक्स होता है, जहाँ से हमें माल जिस रेट में परचेज करना वही आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है। अब हमें माल को सेल करना है तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में जा करके रेट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना डेट चुन लेते हैं, वही एक एप्लीकेबल फ्रॉम आप दे देंगे। अगर आपको ये बार बार चेंज ना करना हो तो आप 1/4/2020 करके एक फाइनेंशियल ईयर के लिए इकट्ठा आप इसको कर सकते हैं। यहाँ हम रेट डालते हैं अपना स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस जो हम बना रहे हैं 1250 रुपये बना रहे हैं। हम नेक्स्ट मंथ के लिए, जैसे हमने उसमें मंथ चेंज करके किया है, अगर उस तरह से हम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जाएँ और यहाँ भी हम 1275 कर लेंगे, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, इस तरह से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें जितने भी स्टॉक आइटम के लिए
रेट निर्धारित करना है, स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट मेंटेन करना है, हम आसानी से कर सकते हैं। किसी भी आइटम पर जा करके यहाँ से उसका स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे कर लेंगे। आपने देखा कि हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड रेट को कैसे डिफाइन किया। अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन करके आपको दिखाते हैं। पहले हम परचेज कर लेते हैं, चूंकि हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट को दिखाना है। परचेज का जो आपका परचेज वाउचर होता है, इसमें आप देख पा रहे हैं एक्चुअल बिल क्वांटिटी एक्टिवेटेड है, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम चाहें तो इसी में कर लें, अन्यथा हम इसको हटा भी सकते हैं। चूंकि पिछली क्लास जो मेरी थी एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी की थी, तो उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक होगा, वहां से आप एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं, कोई भी इनवाइस नंबर हम प्रोवाइड कर देते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ हम डेट 2 अप्रैल कर लिए और यहाँ पर भी हम 2 अप्रैल कर लेंगे, एंटर करते हैं। हम कैश मान लीजिए परचेज कर रहे हैं, तो हमने कैश किया, परचेज लेजर हो जाएगा। स्टॉक आइटम में हम लिवाइस जीन्स कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर लोकेशन अयोध्या कर देते हैं, 50 पीस हम मान लीजिए ले रहे हैं, 50 पीस ऑटोमेटिक आप देख पा रहे हैं 50 पीस पर 50 की बिलिंग हो रही है। अगर हम एक्चुअल इसमें देखें तो हम इसको चाहें तो और कम भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ डायरेक्टली कर रहे हैं, एंटर करते हैं। 50 पीस के लिए हमारा 1000 जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर रखा था अप्रैल मंथ के लिए, वो बाई डिफॉल्ट 1000 आ चुका है। हम चाहें तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट इसीलिए किया है कि ऑटोमेटिक वहाँ पर रेट लिख करके आ जाए, जो आपको देना ना पड़े। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की एंट्री कर सकते हैं, जो हमने परचेजिंग के लिए किया था। एंटर करते हैं और यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, या कंट्रोल ए के साथ इसे हम सेव कर लें। आपने देखा कि हमने अप्रैल मंथ के लिए कर लिया, इसी तरीके से हम मई मंथ के लिए करना चाहते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट मई के लिए दे रखा था। या हम एक सप्लायर इनवाइस डाल देंगे, डेट हो गया, कैश ही कर ले रहे हैं। हम कोई भी पार्टी से भी कर सकते हैं। हम यहाँ चलते हैं, वही लिवाइस जीन्स हम ले लेते हैं। यहाँ हमने मई मंथ के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट अलग सेट कर रखा था, जो आप देखेंगे एंटर करते हुए। देखिए 1050 रुपये बाई डिफॉल्ट आ गया यहाँ, चूंकि हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर रखा है। तो परचेजिंग के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्लाई हो जाता है, जो हमारा परचेजिंग कॉस्ट होता है। और अभी मैं सेलिंग करके आपको दिखाऊंगा, और सेलिंग में आपको स्टैंडर्ड रेट जो हमने डिफाइन किया है स्टॉक आइटम्स के लिए, वो यहाँ से हो जाएगा। हम इसको कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं। आपने देखा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे अप्लाई किया। अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड रेट को करके देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, हम F8 करके आ जाएंगे सेल्स वाउचर पर। डेट हम 2 अप्रैल कर ले रहे हैं, या हमने कोई भी इनवाइस दे देना है, कोई भी इनवाइस नंबर आप यहाँ प्रोवाइड कर दीजिए, एंटर करते हैं। कैश पर आते हैं, चूंकि हम पार्टी जिसे सेल कर रहे हैं वो भी मान लीजिए कैश हम सेल कर रहे हैं, हम यहाँ सेल्स को चुनेंगे। यहाँ अपना वही लिवाइस जीन्स, स्पेस बार करके भी आप स्टॉक आइटम की लिस्ट ला सकते हैं, और आप चाहें तो जिस पहले कैरेक्टर को आप प्रेस कर देंगे तो भी आपका स्टॉक आइटम प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ हम देते हैं अयोध्या से ही हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मान लीजिए हम 10 पीस सेल कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं 1250 जो हमने स्टैंडर्ड रेट सेट किया है, कहने का मतलब स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस जो थी वो 1250 लिख करके आ गई। ऐसा नहीं कि आपने स्टैंडर्ड रेट सेट कर दिया है, सेलिंग प्राइस सेट कर दी है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं यदि आप चेंज करना चाहें तो। इस तरह से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आप देख रहे हैं आपका 10 पीस बिलिंग के लिए भी है, आपका स्टैंडर्ड रेट 1250, जबकि हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट में अलग रेट डाल रखा था और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस के लिए अलग रेट डाल रखा था। तो जो हमारा स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, जिसे हम स्टैंडर्ड रेट कहते हैं, वो बाय डिफॉल्ट 1250 आपके सामने प्रेजेंट हो गया। एंटर करते हैं, मई मंथ के लिए था ये, सॉरी अप्रैल मंथ के लिए था ये, अप्रैल मंथ के लिए था ये। चलते हैं हम एक एंट्री मई मंथ में भी कर लेते हैं। यहाँ से हम डेट चेंज करते हैं 02/5 मई मंथ के लिए। हम यहाँ एक रेफरेंस, जो आपका डिलीवरी चालान है या आप सेलिंग जो आपका बिल है उसका आप यहाँ डाल देंगे, कोई भी बिल रेफरेंस, एंटर करते हुए हम एक्सेप्ट कर लेते, यहाँ आते हैं।
यहाँ से हम एंटर करते हुए हम आएंगे और यहाँ पर हम लेजर चुनेंगे, सेल्स लेजर है। यहाँ वही लिवाइस का जीन्स आप यहाँ चुनते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ के लिए, और यहाँ मैंने स्टैंडर्ड रेट थोड़ा सा चेंज किया हुआ था जो भी आप देखेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे तुरंत ही स्टैंडर्ड रेट चेंज करके आ जाएगा। आप देख रहे हैं 1275 रुपये, अभी अपने पिछले में देखा 1250, चूँकि हमने थोड़ा सा डिफरेंस किया हुआ था नेक्स्ट मंथ के लिए। तो इस तरह से आप जो स्टैंडर्ड रेट डालने से होता है कि आपको बार बार सेलिंग प्राइस नहीं चेक करना पड़ता है और ऑटोमेटिक यहाँ इसका सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो ये है आपका स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। हम चलते हैं बैक। अगर आपको रीचेक करना है कि हमारा किस प्राइस किस आइटम के लिए, हमारा किस आइटम के लिए क्या स्टैंडर्ड रेट है या स्टैंडर्ड कॉस्ट है, तो स्टॉक आइटम में अल्टर पे चले जाएंगे और आपने लिवाइस जीन्स को सेट किया हुआ था यहाँ एंटर करते हुए आएंगे। यहाँ हम यस करेंगे तो हमने जो पहले से डिफाइन कर रखा है, आप देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड रेट, ये आपका स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस जिसे हम कहते हैं वही आपका स्टैंडर्ड रेट है। तो एक बार आप और समझ लें कि जिस प्राइस में या जिस कॉस्ट में हम माल को परचेज करते हैं अपने सप्लायर के द्वारा, उसे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं, तथा जो रेट हमारा सेलिंग प्राइस का होता है, जिस रेट में हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसे हम स्टैंडर्ड रेट कहते हैं या स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को आप एक से दो बार देख सकते हैं, तथा यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं उचित सजेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, अगर सब्सक्राइब अभी भी ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब से रहिए मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।